सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माई इग्नू सॉल्यूशन में। एंड मैं प्रेरणा सिंह आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी BSOC 102 सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया के फ्री सॉल्व असाइनमेंट बेसिक किस तक के लिए। और अगर आपको इन असाइनमेंट का PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आप चाहें तो जब मैं आपको असाइनमेंट दिखाऊं तो आप वीडियो को पॉज करके आप उन असाइनमेंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं अपने फ्री सॉल्व असाइनमेंट। सो स्टूडेंट्स, आपके जो असाइनमेंट होते हैं वो आपके टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स में से आपको आपके असाइनमेंट में मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट में 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, असाइनमेंट ए, असाइनमेंट बी एंड असाइनमेंट सी। तो फर्स्टली मैं आपके साथ असाइनमेंट ए के जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो ये देखिए, एंड आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 500 वर्ड्स ईच। यानी कि आपको असाइनमेंट ए के क्वेश्चन के आंसर जब आप लिखेंगे तो आपको उनके आंसर 500 वर्ड्स में देने हैं। एंड असाइनमेंट ए में आपको टोटल 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये दोनों क्वेश्चन आपके 20-20 मार्क्स के हैं। अगर हम बात करें असाइनमेंट बी की, असाइनमेंट बी में आपको टोटल 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये आपके 10-10 मार्क्स के हैं। एंड इनके आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। फिर आता है आपका लास्ट असाइनमेंट सी। असाइनमेंट सी में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इनके आंसर आपको 100 वर्ड्स में देने हैं और ये आपके 6-6 मार्क्स के हैं। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का एक असाइनमेंट आपका बनता है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है, अपने क्वेश्चन को केयरफुली आपको पढ़ना है और जितनी वर्ड लिमिट बोली गई है उतनी ही वर्ड लिमिट पर आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करें एंड उसे ज़्यादा वर्ड लिखने की कोशिश ना करें। बस आप लोग ये कोशिश करें कि मैं जब आंसर लिखूं तो मेरा आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट मेरा आंसर हो, बेस्ट कंटेंट उसमें होना चाहिए। तो आप लोग स्पेशली इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा और जो आपको वर्ड लिमिट बोली गई है उतनी ही वर्ड लिमिट पर अपने आंसर को डिस्क्राइब करें। तो चलिए इनके आंसर्स अब हम देख लेते हैं। असाइनमेंट ए का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको 500 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडोलॉजी, हाउ डिड इट हेल्प द अर्ली सोशियोलॉजिस्टिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके आप इन असाइनमेंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंड आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया विद सूटेबल एग्जांपल। एंड यहाँ से स्टूडेंट्स आपका असाइनमेंट भी आपका स्टार्ट होता है। तो इसमें जब आप इनके आंसर जब आप लिखेंगे तो आपको 250 वर्ड्स में इनके आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स इन कॉलोनी इंडिया।
एंड आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द एट्रिब्यूशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कास्ट इन इंडिया। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाउ इज द वेस्टर्न नोशन ऑफ सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द इंडिया। और यहाँ से आपका असाइनमेंट सी आपका स्टार्ट होता है, जिनके आंसर आपको 100 वर्ड्स में देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 एंड स्टूडेंट्स, यहीं पे आपकी असाइनमेंट जो है वो आपके कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको इन असाइनमेंट को नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप इन असाइनमेंट को नोट डाउन कर सकते हैं। एंड सेकंड, आपको अपने क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से अपने क्वेश्चन को पढ़ के उनके आंसर को आपको एक्सप्लेन करना है, और जितनी वर्ड लिमिट बोली गई है उतनी ही वर्ड लिमिट पे अपने आंसर को लिखने की कोशिश करनी है। बस आप ये कोशिश करें कि आप जो लिख रहे हैं वो आपका करेक्ट हो, टू द पॉइंट हो, एंड आपका कंटेंट जो है वो भी आपका बेस्ट होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा BSOC 102 सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया के फ्री सॉल्व असाइनमेंट बेसिक किस तक के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको इन असाइनमेंट का PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें।